नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है द रोज वर्ड में। मेरा नाम है अंजन। कोई भी पिक्चर जब हम कैमरा से लेते हैं तो कैमरा के लेजर फोकस के कारण आंखों में रेड पॉइंट हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, रेड आई टूल पे क्लिक कीजिए, फिर उस रेड आई पे क्लिक कीजिए तो ये ठीक हो जाता है। तो रेड आई टूल ऐसे काम करता है। ओके, देखिए ठीक हो गया। अभी इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये भी ठीक हो गया। तो रेड आई टूल ऐसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे भी रेड पॉइंट हो गया हमें। और हाँ, ये जो रेड आई टूल्स की जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन उसी पॉइंट उसी जगह पे पॉइंट कीजिएगा जहाँ पे रेड आई आपको दिख रहा है, नहीं तो ये दूसरी जगह पे ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेहरे पे बहुत स्पॉट है, तो स्पॉट को कैसे हटाएंगे, देखिए नोज के ऊपर स्पॉट है, उसको कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो जहाँ भी स्पॉट है उस पर क्लिक कीजिए, तो अपने आप ये गायब हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे भी एक स्पॉट है, इसको गायब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा स्पॉट। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स का यही कमाल है चेहरे को ठीक करने के लिए। किसी फेस को आप कैसे ठीक करेंगे, किसकी फेस में बहुत ज़्यादा स्पॉट होता है, तो उसको आप इस ब्रश टूल्स के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अब कुछ नया सीखेंगे इस पिक्चर में। ये जो पिक्चर है हम क्लोन के ज़रिए इस प्लॉट को यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लोन स्टैम्प टूल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, हार्डनेस 0 पे रहेगा। ओके, और भी थोड़ा बड़ा करना चाहिए, हाँ ठीक है। इसको कीबोर्ड की ऑल्टर को प्रेस करके माउस को एक बार क्लिक कीजिए तो ये यहाँ से क्लोन होके आप जिस जगह पे चाहे उसको उस जगह पे क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये फ्लावर उसी जगह पे सेट हो जाता है। तो इसको क्लोनिंग कहते हैं, पिक्चर का क्लोनिंग कहते हैं इसको। देखिए इस जगह पे फ्लावर सेट हो गया है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को आप क्लोन करके किसी भी दूसरे जगह पे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और बहुत बड़ा हो गया, कुछ और छोटा करते हैं। ओके, इस फ्लावर को नीचे क्लोन करेंगे, तो देखिए ये फ्लावर नीचे आ गया। तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड की ऑल्टर प्लस माउस की क्लिक, तो ये ऐसे काम करता है। ओके,